झारखंड यात्री संघ ने यात्रियों की समस्याओं को लेकर रजनीश कुमार उपनगर आयुक्त से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि यात्री संघ को रांची में सिटी बस में नगर निगम द्वारा निर्धारित भाड़ा के स्थान पर यात्रियों से मनमाना भाड़ा वसूले जाने की शिकायत मिल रही थी। अधिकांश सिटी बस मेन रोड पर ही मनमाने भाड़े से चलाए जाने की भी बात सामने आ रही थी। मौके पर मौजूद झारखंड यात्री संघ के अध्यक्ष प्रेम मित्तल ने कहा कि ये सब सिटी बस के संचालकों के द्वारा और इनके मिलीभगत से किया जा रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए हम लोग अपनी मांगों को लेकर उपनगर आयुक्त के पास आए हुए थे। हमें शिकायत लगातार मिल रही थी कि सिटी बस में मनमाना भाड़ा वसूला जा रहा है, जबकि नगर निगम की तरफ से यह तय किया गया है कि 7 किलोमीटर का 5 रुपया भाड़ा होगा, ज़्यादा ले रहा है। तो हमने इनसे आग्रह किया है कि जो आपने भाड़ा तय किया है उसको सिटी बस के अंदर में उसको चिपकाइए और मीडिया के मार्फत जनता को बताइए कि आपने क्या भाड़ा तय किया, ताकि कोई मनमाना भाड़ा नहीं ले सके। और जिस रूट के लिए आपने उसको चलाने के लिए कहा है उसी रूट पर वो चलावे, इसके लिए आप उसमें दाएं बाएं आगे पीछे सब तरफ लिखवा दीजिए कौन सा बस किस रूट में चलेगा। नहीं तो इन लोग क्या जो भाड़ा वाला राजेंद्र चौक से घुमा देगा, और मेन रोड में कोई ई रिक्शा टेम्पो कुछ चलता नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेन रोड में चलना चाहता है, कहा कि स्टैंडिंग पैसेंजर मिलता है। इन बातों को हमने कहा है, और साथ में जो बस स्टैंड है ITI बस स्टैंड, काटाटोली बस स्टैंड, उसको एक स्टैंडर्ड का बस स्टैंड, रांची राजधानी है, उसमें यात्रियों की सुविधाओं के लिए वो सारी चीज़ों का निर्माण पर्याप्त संख्या में किया जाए, चाहे शौचालय हो, यात्री शेड हो और बाकी सारी चीज़ें जो भी है, पीने का पानी, पेयजल, ये सारी चीज़ों का निर्माण पर्याप्त संख्या में किया जाए। वहीं नगर आयुक्त रजनीश कुमार ने झारखंड यात्री संघ के बातों को सुनकर 10 दिनों का समय लेते हुए सभी संबंधित मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन करने का आश्वासन दिया है। यात्री संघ के द्वारा मुख्यतः 2-3 चीजें उन लोगों ने जानकारी दी जो हम लोगों को भी ज्ञात नहीं था, कि एक तो जो हमारा निर्धारित जो भाड़ा है उससे अधिक वसूली जा रही है यात्रियों से, और जो निर्धारित रूट है उसका भी वैल्यूएशन हो रहा है, और जो यात्री उसमें जाते हैं उनसे मतलब तहजीब से पेश नहीं आया जाता, मुख्यतः यही डिमांड था। तो हम लोगों ने इंश्योर किया कि आप एक सप्ते में सारी चीज़ें जो आपका जितनी भी डिमांड है वो सब एक सप्ताह के अंदर वो सारा रिजॉल्व हो जाएगा। सब उनकी जेन्युइन डिमांड थी, वो हम लोग अब वो निर्धारित जो चार्ट होता है बसों में रेट का वो हम लोग लगवा दे रहे हैं, और सारे जितने भी कंडक्टर ड्राइवर वो यूनिफॉर्म में रहेंगे, नेम प्लेट रहेगा उनके पास, जिससे लोगों को पता चल सके कि वो कौन है, और रेट चार्ट भी लगेगा ताकि कि पता लगे यात्रियों का क्या रेट है हमारा, हमको भाड़ा कितना देना है, तो वो जो मनमानी की जो शिकायत हम लोगों को मिल रही थी वो भी नहीं हो सके। रांची से मुखर संवाद के लिए आशुतोष की रिपोर्ट। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।